हेलो पिलावने मु पुनी आप थरे तुम मन को स्वागत करू छी केम विजुअल रो YouTube चैनल रे जेमति की आमे पूरा गोटे सीरीज चलै छु कहा पई सीपीटी एग्जाम रो प्रिपरेशन पई आ ऑलरेडी आमे बहुत किछि जिंसो ई चैनल रे कवर कर सार लेनी चाहे से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हो सिलेबस हो एग्जाम पैटर्न हो से सब वीडियो ऑलरेडी तुमको अछि जोटा की ई वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे भी तुमको मिलि जइबो। आज वीडियो रे जेंती कि हमें लास्ट वीडियो रे डिस्कस करथले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो एनालिसिस उपरे सेमती एही वीडियो रे डिस्कस करबा कहारो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो एनालिसिस उपरे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो को टॉपिक गुडा इंपोर्टेंट आ को चैप्टर रो को टॉपिक रो क्वेश्चन करूची आ एही तो माने 2020 रो एनालिसिस भी जानी परिबो कि को टॉपिक गुडा रो क्वेश्चन आसुची एग्जाम रे। सो फर्स्ट टॉपिक जोडा होची सेटा होची एटॉमिक स्ट्रक्चर जोडा कि बेसिक फंडामेंटल तुमरो कहारो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो स्टार्टिंग रो सबटु बेसिक इंपोर्टेंट तुम्हारे एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग जेंती की 11 12 थ्रू नहीं की तुम्हारे जेई मेन हो नीट हो सब एग्जाम रे इंपोर्टेंट ए तीनटा टॉपिक सेंती सीपीटी एग्जाम रे मध्य ए टॉपिक गुडा रो इंपोर्टेंस बो आउ सबटु बेसिक फंडामेंटल एथि पाई को जदी ए चैप्टर गुडा रो सब रिलेशन अछि तुम्हारे एसडी ब्लॉक हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो ऑर्गेनोमेटेलिक हो ए सब चैप्टर गुडा रे। तो फर्स्ट हो जे एटॉमिक स्ट्रक्चर रे तुमको बेसिकली फर्स्ट थ्योरी गुडा मॉडल गुडा सब पढिवार अछि सेम मॉडल रे सबटु इंपोर्टेंट हो छी मु बोर्स मॉडल। देखो सिलेबस रे बहुत किछ डिस्कस हम ऑलरेडी कर सर छथि जेते बेला सिलेबस जीवा एटॉमिक स्ट्रक्चर सिलेबस बहुत गुडा इन होछ मु सिलेक्टेड टॉपिक गुडा कोजी हो टॉपिक गुडा रो क्वेश्चन आसु जे तुम एग्जाम रे। फर्स्ट हो जी बोर्स मॉडल रे बोर्स मॉडल रे तुमरो एनर्जी हो वेलोसिटी हो रेडियस हो से सब रो रिलेशन रो जो फार्मूला गुडा छ से फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन आसी पारे। नेक्स्ट हो जी क्वांटम नंबर जोडा मोस्ट इंपोर्टेंट हमरो चारटा टाइप रो क्वांटम नंबर से तुमरो प्रिंसिपल हो एजीमुथल हो मैग्नेटिक हो किबा स्पिन क्वांटम नंबर से सब ऊपर क्वेश्चन आछ। तापर जो प्रिंसिपल गुडा आछ क्वांटम नंबर रे जोटा कि तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिवारे हेल्प करे तुमरो हुन्स रूल हला पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हला अबाउ प्रिंसिपल हला ए सब गुडा तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर रे पढ़ो। ता सहित तो नोड्स लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आसला नोड्स ऊपर कि एंगुलर नोड केतेटा रेडियल नोड केतेटा सेटा ध्यान रखी परिबो। तापर नॉर्मलाइजेशन ऊपर क्वेश्चन आसुची आउ मेनली एटॉमिक स्ट्रक्चर रो टिके एडवांस जोटा मॉडर्न कोचो हमें क्वांटम केमिस्ट्री तारो हमें डिस्कस करिवा फिजिकल केमिस्ट्री रो एनालिसिस रे जोटा कि या पोरे नेक्स्ट वीडियो हमें करिवा फिजिकल केमिस्ट्री सेही डिस्कस करिवा। नेक्स्ट होजी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तुम्हें ऑलरेडी 11 12 रे 11th रे पढ़ी सारचो जोटी कि तुम्हें बेसिकली तुम्हें फास्ट पढ़ो कि पूरा पीरियोडिक टेबल केमती क्लासिफाई है एस ब्लॉक कोडा पी ब्लॉक कोडा डी ब्लॉक कोडा एफ ब्लॉक कोडा आउ मेन सब इंपोर्टेंट जो तुम्हारे ट्रेंड्स गुडा अच्छी कि अलोंग द पीरियड कौन हुए लेफ्ट टू राइट मूव कले डाउन द ग्रुप कौन हुए मूव कले कहार आयोनाइजेशन एनर्जी है गला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है किंबा इलेक्ट्रॉन गेन एंथाल्पी है गला इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रो ट्रेंड्स आयोनिक रेडियस रो ट्रेंड्स जोटू क्वेश्चन आसुची तुम्हारे सीपीटी एग्जाम रे। तो एटा इंपोर्टेंस दे परिबो पीरियोडिक प्रॉपर्टी रे आउ सबुडु मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस कहबी एही सेम ट्रेंड गुडा तुम्हें पाइबो एसपी ब्लॉक एलिमेंट जते बेला पढ़ो कोन बुझु बुझु जे तुम्हें ग्रुप 1 रु नेकी ग्रुप 18 जाय जते बेला भी पढ़जो सेही सेम ट्रेंड गुडा ही पाइबो आयनाइजेशन एंथाल्पी रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रो या साइज रो से सेति मे मु इंपोर्टेंस दउ छी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को फर्स्ट। नेक्स्ट हो जे केमिकल बॉन्डिंग मु कहि परबी मोस्ट वेटेस्ट चैप्टर तुम्हारो सीपीईटी एग्जाम रे मोस्ट वेटेस्ट चैप्टर जोडा हो जे केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेति मेनली तुमको आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड पूरा ध्यान रे पढिवार छी। आयोनिक कंपाउंड रे बेसिकली तुम्हारा इंपोर्टेंस हो जी बॉन्ड लैंड इक्वेशन जोड़ा लैटिस एनर्जी रो अछि तुम्हारा बॉन्ड लैंड इक्वेशन बोन आवर सर्कल सेटा इंपोर्टेंट दे परबो। नेक्स्ट तुम्हारा कोवेलेंट कंपाउंड रे तार फॉर्मेशन केंती हो जी कोवेलेंट कंपाउंड रो तापर तुमरो हाइब्रिडाइजेशन कांसेप्ट कोन हाइब्रिडाइजेशन पर तुमरो शेप ज्योमेट्री सेई सब जिंस ऊपर तापर तुमे नेक्स्ट पाइबो एडा कोवेलेंट कंपाउंड रे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट कोई भी मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी तुमे लास्ट ईयर भी पेपर देखिबो सेठी भी क्वेश्चन आसी आ प्रीवियस ईयर जेतबा हम संबलपुर यूनिवर्सिटी की उत्कल यूनिवर्सिटी रो क्वेश्चन डिस्कस करथले सेठी भी मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी रो क्वेश्चन आसी आ क्वेश्चन लेवल इजी रहउची बहुत हार्ड रहउनी मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी तो तुमे ध्यान रे कोन कोन जिंस पढिबो तुमे जेते भी डाई एटॉमिक स्पीसीज होची O2 मॉलिक्यूल ला N2 मॉलिक्यूल ला C2 मॉलिक्यूल ला ए सब गुडा रो बॉन्ड ऑर्डर कंपैरिजन तारो आयन हो किबा से न्यूट्रल स्टेट रो से गुडा रो बॉन्ड ऑर्डर कंपैरिजन बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन स्टेबिलिटी कंपैरिजन ए सब जिंस गुडा ध्यान रे पढ़ी के जो पिला। नेक्स्ट
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एसपी ब्लॉक चैप्टर होची एटा टिके कोनो तुम्हारो चैप्टर टा बहुत लेंथी जदी पढ़ियो तुम्हें एसपी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13 ग्रुप 14 ग्रुप 18 जाए बहुत लॉन्ग चैप्टर गुडा एटा तुम पाखरे जदी टाइम बंची जाउ छी तुम्हें लास्ट रे पढ़िबा को मु प्रेफर करबी बुझियो जे माने कोन भाई ई चैप्टर गुडा एत्ते पढ़ो आ तुम्हें बार बार एगुडा रिवाइज करूथु बोला जाय के मन रहबो नले भूलि जबो फिर भी तुम्हें जो इम्पोर्टेंस जिन गुडा पड़ो जो पीरियोडिक टेबल रे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रे जो ट्रेंड गुडा पड़ो से गुडा इम्पोर्टेंस दे पारिबो तापर मोस्ट इम्पोर्टेंट जिन तुमको कहो जो सिलिकेट्स गुडा और सिलिकॉन्स गुडा जैसे पाइरोसिलिकेट ऑर्थोसिलिकेट यही सब गुडा ध्यान रे पड़ो से क्वेश्चन आसुची मेनली नेक्स्ट तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड मोस्ट इम्पोर्टेंट कहबी स्ट्रक्चर तुमको पचारिबो कि एई नाटा दे देबो तार स्ट्रक्चर करो किंबा एई नाटा दे देबो से स्ट्रक्चर रे केतेटा तुमरो सेटा मोनोबेसिक डाइबेसिक ट्राइबेसिक एंती क्वेश्चन भी पचारि पारे जेतेबो बोरिक एसिड रो गुडा पचारिबो सिमिलरली तुमरो सल्फर रो ऑक्सी एसिड पचारि पारे फास्फोरस रो ऑक्सी एसिड गुडा पचारि पारे तो सेई सब गुडा ध्यान दे पारिबो एसपी ब्लॉक एलिमेंट रे आउ ग्रुप 18 रो जते भी रिएक्शन होचे ताकु ध्यान देतो कोन पाई से ग्रुप 13 रो 16 17 जाय पचारुनी 18 ग्रुप रो रिएक्शन गुडा पचारुचु मेनली आउ ग्रुप 17 रे जो इंटर हैलोजन कंपाउंड गुडा छि तारो शेप साइज स्ट्रक्चर गुडा देखि देबो कि बुझला एडा हे गला एसपी ब्लॉक एलिमेंट जाय नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आउ मोस्ट वेटेस्ट चैप्टर भीतर रखी परबो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तुमे को भी एग्जाम पई प्रिपेयर करो गुडे 11th 12th लेवल रु नै कि एमएससी पीएससी जे जो लेवल रो एग्जाम पई भी प्रिपेयर हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज मोस्ट इंपोर्टेंट आउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एत्ते बडो चैप्टर तुमे जेबे पढिबो लागिबो कि सरिबोनी बट सीपीटी एग्जाम पई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो गुडा पढिबार हो जे सीटी फर्स्ट होजी तुमरो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आउ एडी गुडा मु जेंसो छाडी दी जुडा होजी वार्नर्स थ्योरी को भी पढ़ो तुम्हें वार्नर्स थ्योरी रे इंपोर्टेंस हो वार्नर्स थ्योरी पढ़ो नेक्स्ट वैलेंस बोन थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का एप्लीकेशन आउ कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रो कलर ऊपर ये क्वेश्चन आछी मोस्ट इंपोर्टेंट सीएफटी रे ध्यान रखिबा पड़ो जो सीएफएससी रो कैलकुलेशन हो सेटा तुमको आसीबा कथा एट लिखि दो छी मु सीएफएससी कैलकुलेशन सीएफएससी कैलकुलेशन को नहीं कि क्वेश्चन आसे लास्ट ईयर भी गोटे क्वेश्चन आसला कोन आसला कि को कंपाउंड रो सीएफएससी जीरो हो तो एमती क्वेश्चन आसीबो जोटा इजी लागो मु तो तुमको ध्यान देके टिके टिके टॉपिक गुडा को टच करके जेबा को पड़िबो छाड़ीबा को पड़िबो टोटली छाड़ीबो ही नहीं टॉपिक गुडा जदी तुमको बहुत भलो रैंक आनिबार अछि सीपीटी एग्जाम रे तो टॉपिक सब कवर अप करिवार अछि बुझियो जी तो इंपोर्टेंट टॉपिक गुडा को बेसिकली तुम्हें कवर करिवा को ट्राई करो नेक्स्ट इंपोर्टेंट तुम्हारा होजी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड तुम्हें ऑलरेडी बीएससी रे जो माने पढ़ी छो टिके टिके पढ़ी जाय तो सेटी मोस्ट इंपोर्टेंट जिंसो जो तुम कहबी 18 इलेक्ट्रॉन रूल तार एप्लीकेशन कंपाउंड गुडा देइथबो से कहितबो एडा 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करछि कि नै कि 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करछि कि नै 18 इलेक्ट्रॉन जो एंति भी देइथाय क्वेश्चन नंगु आउ रेड इंपोर्टेंट ईएएन रूल भी मन रखतो इडी ईएएन रूल भी होछि ईएएन रूल भी होछि 18 इलेक्ट्रॉन रूल होछि सेटा देखिबो तुमको एंती भी क्वेश्चन देतबो कि गोटे कंपाउंड रे सपोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करछि सेटी गोटे लिगांड होछि से लिगांड रो हेप्टिसिटी पचारतो किंबा गोटे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होछि सेटी हेप्टिसिटी ऑफ द लिगांड केते पचारतो तो सेंते टाइप रो क्वेश्चन आछि नेक्स्ट इंपोर्टेंट होछि जीसस सॉल्ट जीस सॉल्ट भी देखि पारिबो तुमे आ ट्रांस इफेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जते बेले तुम रिएक्शन मैकेनिज्म उपर ऑर्गेनोमेटालिक रो क्वेश्चन आछि ट्रांस इफेक्ट को ध्यान देतबो एटू क्वेश्चन आसुछि बुझियला बिलाने नेक्स्ट बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एटा भी टिके कोनो लर्न करिवा वाला चैप्टर माने टिके रट्टा वाला चैप्टर तो मु ट्राई करबी कोनो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमको बहुत भलो शॉर्ट नोट्स रो वीडियो गोटे दे देबी जो टिके तुम्हें बायो इनऑर्गेनिक कंप्लीटली पाइजो बहुत शॉर्ट टाइम भितरे आ एही चैप्टरटा कोनो तुम जदी शॉर्ट नोट्स बनाय दिजो ताको बार बार रिवीजन करचोले बहुत इजीली मन रहिजो एही चैप्टर रे कोन कोन पढिबो तुम्हें फास्ट तो मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन तापरे तुमरो सबटु मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा स्टार्टिंग रे तुम्हें पढुचो कोनो जो स्ट्रक्चरटा पढुचो कोनो स्ट्रक्चर गुडा पढुचो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर गुड़ा पढ़ो से स्ट्रक्चर गुड़ा इंपोर्टेंट से स्ट्रक्चर गुड़ा को ध्यान दे पारिबो नेक्स्ट होरी तुमरो हीमोसियानिन हीमोरिथ्रिन ए सब जिंस पढ़ो आ गुड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटी कोनो तुमको गुड़ा हीम प्रोटीन गुड़ा हीम नॉन हीम प्रोटीन से सब क्वेश्चन आसीबो तापर मेटालो एंजाइम रो क्वेश्चन लास्ट ईयर आसीतला सेति मैं इंपोर्टेंस दउ छी एटा को मेटालो एंजाइम रे तुमको तुमर कोन कोन पढ़िबा को ट्राई करबो मेटल को मेटल गुडा प्रेजेंट हो जोंदी से मेटालो एंजाइम रे हला तुमरो विटामिन बी12 हे गोला तुमरो तापर विटामिन P450 हे गोला ए सब मेटालो एंजाइम गुडा पडिबो कार्बोक्सी एनहाइड्रेज हे गोला एटू क्वेश्चन आसला कार्बोक्सी एनहाइड्रेज हो तो मन रखतो एउटू क्वेश्चन आसुची
नेक्स्ट होजे तुमको क्वेश्चन एमती आसीबो कि गुटे बायोलॉजिकल ये कम गुटे बायोलॉजिकल सिस्टम ते से बायोलॉजिकल सिस्टम रे को मेटल आयनटा यूज हेतबो जिंक यूज होजे कि कॉपर यूज होजे कि आयरन यूज होजे को एटमटा यूज होतबो से जो पूरा क्वेश्चन पचारि पारे तापर हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन तुमको गुटे क्वेश्चन इंपोर्टेंस पचारि पारे कि जो मेटल आयनटा रहउ सेटा को ऑक्सीडेशन स्टेट रहउ से कंपाउंड ता पैरामैग्नेटिक रहउ कि डायमैग्नेटिक रहउ से कंपाउंड रा स्ट्रक्चर कोन से ऊपर क्वेश्चन पचारि पारे बुझला। नेक्स्ट होजे क्वालिटेटिव एनालिसिस देखो ऑलरेडी तुम जदि एतिके टॉपिक कवर कर सारो छ तो नेक्स्ट टॉपिक को मूव करो। मु कहबी क्वालिटेटिव एनालिसिस रे जोडा तुम्हारा ग्रुप टेस्ट गुडा होची ग्रुप 1 बेसिक रेडिकल एसिड रेडिकल से सब रो टेस्ट गुडा के ध्यान रखि परबो सेटू क्वेश्चन आछि। आ गुडा मु जति एनालिसिस करले लास्ट ईयर पे बहुत गुडा इंपोर्टेंट जिंस कहबी जोडा तुम पई भी इजी होबो से कोन कर जे सीपीटी एग्जाम रे जतो क्वेश्चन बनाउ छी से क्वेश्चन रे फर्स्ट तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देन फिजिकल केमिस्ट्री एंडी सेपरेटली से डिवाइड करू छी माने कोन कहू छी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सपोज 1 टू 20 नंबर क्वेश्चन जे इनऑर्गेनिक ब्रांच रोला से टू इनऑर्गेनिक क्वेश्चन रे रहू छी माने क्वेश्चन को मिक्स अप करके दउनी तो तुम मन को एटा इज हेबो तुम जदी सीक्वेंस रे पढ़ी दिबो ना से चैप्टर गुडा को इजीली अटेंड करि परबो क्वेश्चन रा बुझो जी। तो जदि गोटे इंपोर्टेंस कथा कहबी तुम्हें जदि एबे जाय देखिनो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो एनालिसिस वीडियो सेटा डिस्क्रिप्शन लिंक रे होची से वीडियो रो डिस्क्रिप्शन लिंक पाई जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन रे तारो लिंक पाई जो से वीडियो रो आउ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रो वीडियो भी हो तुम्हारा मार्किंग पैटर्न रो सब वीडियो रो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पाई जो तुम माने। तो एटा थिला हमरो कंप्लीट एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तापर हमें नेक्स्ट वीडियो रे डिस्कस करबा कंप्लीट एनालिसिस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो वीडियो को जरूर लाइक करंतु आ चैनल रे जदि नुआ आछंती सब्सक्राइब करबा को भूलंतु नै।